हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश अपने यूट्यूब चैनल कर रही सड्डा पे आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम का पहला दिन था, तो प्रथम शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके जीएस को आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा और समझिएगा अगर आप एग्जाम में बैठते तो आप कितना मार्क्स लाते। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, जो गुजरात में स्थित है। सूरत गुजरात का एक शहर है जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, और अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग? तो फ्रेंड्स, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक स्थित। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बिहार के गवर्नर कौन है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि बिहार का गवर्नर कौन है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा बिहार का गवर्नर कौन है? तो फ्रेंड्स, बिहार का गवर्नर फागू चौहान है। अगला क्वेश्चन है कि देशबंधु किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, देशबंधु चितरंजन दास को कहा जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। फ्रेंड्स, दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच, जिसमें अकबर की जीत हुई थी, हेमू की हार हुई थी, जिसमें अकबर का संरक्षण बैरम खां युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। फ्रेंड्स, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि चिकनकारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, चिकनकारी के लिए लखनऊ शहर प्रसिद्ध है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, शारदा एक्ट बाल विवाह निरोध कानून से संबंधित है, जो 1929 में बना था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा कि शारदा एक्ट बाल विवाह निरोध कानून से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है कि पदार्थ की मात्रा मापी जाती है? फ्रेंड्स, पदार्थ की मात्रा मापी जाती है मोल से। ये आप लोगों को पता होगा कि आधारी राशि 7 है, जिसमें से एक पदार्थ की मात्रा भी है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? तो ये क्वेश्चन बहुत हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा। तो फ्रेंड्स, लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा में टोटल 250 सीटें हैं, जिसमें से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चुनकर आते हैं, 12 राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं। जो कला साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्ति होते हैं उसे ही राष्ट्रपति खुद चुनते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो फ्रेंड्स, आप बताइए कि राष्ट्रपति राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी है। फ्रेंड्स, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। फ्रेंड्स, आप भारत में कुल 28 राज्य 2800 राज्य का मुख्यमंत्री और गवर्नर याद कर लीजिए। हो सकता है तो अगले शिफ्ट में दूसरा राज्य का मुख्यमंत्री या गवर्नर पूछ लिए जाए। तो फ्रेंड्स, आप 2800 राज्य का मुख्यमंत्री और गवर्नर को याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स, यूरिया का सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स, यूरिया का सूत्र CH4N2O होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दांडी मार्च। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि दांडी मार्च कब होता है? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। फ्रेंड्स, जब अंग्रेज नमक पर टैक्स लगा दिए थे, तो उसके विरोध में महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं। फ्रेंड्स, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है श्री दुष्यंत चौटाला। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पूछा लाफिंग गैस। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बच्चा इतना रटा है ना कि मरते दम तक कभी नहीं भूलेगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस खा जाता है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसे बोबड़े हैं, जो 47 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? तो फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में अनुसूची के बारे में बताया भी है कि टोटल मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, बाद में 4 अनुसूची और जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, आपको हम डिटेल से पिछले वीडियो में अनुसूची के बारे में पढ़ा दिए हैं, अगर नहीं देखे तो जाके देख ले। तो फ्रेंड्स, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? तो फ्रेंड्स, अनुसूची में
22 भाषा है। तो फ्रेंड्स पहले 14 ही भाषा थे, 15वां भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत बाद में फिर 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली मणिपुरी कोंकणी को। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अंतिम में फिर 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो डोंगरी मैथिली संताली। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत तो वर्तमान में कुल 22 भाषा है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर है, सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भारतीय इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने थे, जो 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। वो प्रथम राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है, जो भगवान अयप्पा स्वामी के मंदिर है। फ्रेंड्स चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, यानी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी तट वाला राज्य। तो फ्रेंड्स भारत में कुल 9 तटीय राज्य है, तो सबसे बड़ा तट गुजरात राज्य का है। तो 9 तटीय राज्य कौन कौन सा है हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात का हुआ, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो पहला गुजरात हुआ, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा भारत में कुल 9 तटीय राज्य है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुआ। तो फ्रेंड्स खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 गुवाहाटी में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जोड़ती है। तो फ्रेंड्स वंदे भारत एक्सप्रेस, पहले इसका नाम था ट्रेन 18, तो बाद में इसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया, जो दिल्ली से कन्याकुमारी तक स्थित है, जो सबसे लंबी दूरी तय करती है भारत। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन से बैंक जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक को जोड़ा गया। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा था कि URL का फुल फॉर्म क्या। तो फ्रेंड्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स आप फुल फॉर्म को भी देख के जाइएगा, हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन इससे आता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। तो फ्रेंड्स साहित्य का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम नमुदरी को मिला है। चलिए फ्रेंड्स जो मलयालम कविता फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार का आरंभ 1955 में किया गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि धोनी किसमें गमन नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स धोनी निर्वात में गमन नहीं कर सकता। फ्रेंड्स निर्वात में केवल प्रकाश गमन कर सकता है। फ्रेंड्स धोनी को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बट प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन घिना के पूछा पिछले कई सालों में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता। तो फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ये फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। फ्रेंड्स भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होता, जो सफल नहीं रहा। बाद में फिर 1881 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में स्वचालित रूप से हुआ था। तभी से ही हर एक 10 वर्ष में भारतीय जनगणना की जाती है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि धरती पर अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान हर जगह सेम रहता है, भार बदलता है, यानी कि मास सेम रहता है, वेट बदल देता है। अगर फ्रेंड्स भार पूछता तो 1/6 हर्ट्ज से हो जाता है, यानी कि 60 का 1/6 हर्ट्ज कितना होता है 10, यानी कि 10 kg उस वस्तु का भार चंद्रमा पर होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो फ्रेंड्स इन्वायरमेंट एक्ट 19 नवंबर 1986 ईस्वी को पारित हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंडर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है। तो फ्रेंड्स ग्लोबल हंडर इंडेक्स में भारत का स्थान 94 है। पार्टनर देखे करें फिर से कितना क्वेश्चन पूछी रहा हर एग्जाम में। तो तोरा डेली पढ़े लगते करें फिर डेली पढ़ता अभी कुछ हुए तो देखे छे बिहार का हर एक एग्जाम में 100% में 30% मार्क्स करें फिर से ही पूछे छे मन लगा करें फिर डेली पढ़ ठीक छो। देख पार्टनर ई रंग हलवा हलवा सब क्वेश्चन पूछे जो फिर भी छोड़ा सब नहीं पढ़ी रहा छो हाँ आर की चाहे छे से ला कह मन लगा पढ़। चल आज का सेशन एथे खत्म लो आप क्या लेबो ठीक छो। हमारे चैनल का सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर और दोस्तों में शेयर कर। अब आपको पता चल ही गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल कितना बड़ा है। चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन ही खत्म हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद फ्रेंड्स।